हेलो, वेलकम टू IMS। आज हम यहाँ पढ़ेंगे टॉर्जनल इक्वेशन। टॉर्जनल इक्वेशन होता क्या है कि भाई हमारे सपोज कर लीजिए हमारे पास ये एक है ना, एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, इसको हमने पिन कर दिया, इसको है ना रिजिड कर दिया एक पॉइंट से, और एक पॉइंट से ये है ना खुला है। तो इसके ऊपर जब यहाँ से है ना एक टॉर्क वो लगाएंगे, टॉर्जन एक शीयर टाइप का उसको फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से ये घूम जाएगा है ना। तो उसको पता करने के लिए जो जितना डिस्प्लेसमेंट आया और उसकी वजह से अपने जो फॉर्मूला बनता है ना वो अपना है टॉर्जन इक्वेशन बनती है उससे, ठीक है। तो ये वो आया अपना है ना, इसका करते कैसे है, इसका है ना वो ये जैसे शाफ्ट है तो हमारे पास ये ए बी, ए ये और बी है ना, हमारे पास शाफ्ट है ए और बी है ना, ये यहाँ से जो जॉइंट है यहाँ से एकदम फिक्स्ड है इधर से, और इधर से फ्री है ना। और इसके ऊपर ऐसा अपने पास वो लगा दिया अपन ने है ना, यूं अपन ने लगाया फोर्स, तो ये ऐसे घूम रहे हैं। मतलब अगर इसको अपन ऐसे ऐसे दिखाए ना तो ये अपने ऐसे इसके अंदर फोर्स लगाया अपन ने, तो ये घूम गई। तो घूम के थी तो ए और बी थी ना, तो बी बी डैश हो गया, ठीक है। जो ए बी थी वो अपना बी बी डैश हो गया यहाँ पे, इसकी वजह से जो यहाँ पे चेंज आया उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एंगल बना, वो अपना बना फाई है ना, फाई का अपना एंगल बना, ठीक है। फाई का एंगल बनने के बाद अपना बी से बी डैश बन गया। और अगर इसको सामने से देखते हैं ना, इसका क्रॉस सेक्शन या फिर इसका सामने से इसको देखें फ्रंट व्यू, तो अपने पास कुछ ऐसा आता है कि भाई ये बी था, ये बी चेंज होकर ये बी डैश बन गया, और इसके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है वो है अपने पास थीटा है ना, इसके बीच का एंगल है थीटा। और ये जो अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपनी आर रेडियस, ठीक है, ये अपनी डिस्टेंस आर रेडियस है। तो सबसे पहले जो अपना बी से बी डैश हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ डिफॉर्म आया है ना, डिफॉर्म आया है। तो डिफॉर्म निकालने का क्या होता है, अपने स्ट्रेन कहते हैं अपन, शियर स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, शियर की वजह से स्ट्रेन हो रहा है। तो अपना जो फाई जो एंगल है ना वो अपना शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन। तो बी बी डैश डिवाइड बाई एल, ये कैसे शियर स्ट्रेन क्या है, मतलब जो चेंज ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय ना ओरिजिनल वाला हुआ है ना, तो बी बी डैश डिवाइडेड बाय एल हो गया है ना। इसको अब यहाँ पे इसका फाई जो है ना, फाई निकालने का है बी बी डैश डिवाइड बाय एल, ये जो है बी बी डैश डिवाइड बाय एल है फाई निकालने का। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना तो अपने सब बी बी डैश की अपने पास इसकी जो वैल्यू है, हमने जो ये नहीं कि इसकी जो वैल्यू है वो अपनी आ रही है एल फाई, अपने पास ये एल फाई आ रही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे बराबर, इसको जो ये ऐसे बराबर है एक तरह से है ना, बी बी डैश अपॉन में एल इज इक्वल्स टू को फाइव। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास जो बी बी डैश की वैल्यू आई कितनी आई, अपने पास एल एल फाइव आई है ना, एल फाइव वैल्यू आई। अब इसमें एक चीज अपने को पता होती है भाई, अपना जो कोई भी सर्कल है ना उसके अंदर आप अपने को है ना यहाँ पे कुछ सेगमेंट दे रहा है, इसमें अपने को इसका जो अपने को ये निकालनी है, अगर अपने को ये निकालना है ना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है इसका जो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो मल्टीप्लाई बस का रेडियस, मतलब यहाँ पे कोई थीटा बन रहा है ना वो मल्टीप्लाई बस का रेडियस वो करते हैं ना, तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अपन ने वही चीज की, अपन ने इस वैल्यू को निकालने के लिए आर मल्टीप्लाई बाय थीटा करते हैं। आर मल्टीप्लाई बाय थीटा है वो एल फाई के बराबर भी हो, बी बी डैश के बराबर भी है, ठीक है। ऐसा अपने पास बनता है, मतलब ये जो बी बी डैश इज इक्वल टू आर थीटा है अपने पास, और बी बी डैश अपना एल फाई भी है, तो ये तीनों बराबर हो गए अपने, ठीक है। ये अपना फर्स्ट बन गया है ना। वहां पे नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको अपन जी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। जो शियर स्ट्रेस अपना टाई होती है वो शियर स्ट्रेन अपना फाई होता है, ये रफा है ना। जो फाई है वो टाउ डिवाइड बाय जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने यहाँ से, क्या निकाल फाई निकाल, फाई निकालने के लिए अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया फाइव है ना। तो यहाँ पे अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइव का अपने एक और फॉर्मूला बन गया, फाइव का अपने फॉर्मूला बन गया, वो क्या फॉर्मूला बन गया, टाउ अपन में जी, ठीक है, टाउ अपॉन में जी बन गया। और अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, अपने यहाँ पे देखा था एल फाइव इज इक्वल टू का आर थीटा अपन ने देखा था, तो अपन ने उसको यहाँ पुट किया है ना। अब यहाँ पे अपने जो फाइव है, फाइव की वैल्यू अपने पास टाउ जी आई, क्योंकि अपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाउ डिवाइड बाई जी आई ना, तो अपन ने ये जो फाइव की वैल्यू आई है इसको अपन ने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पुट करने के बाद अपन ने फर्दर सॉल्व किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी थीटा, इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए, तो जी थीटा डिवाइडेड बाय एल, इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया है ना। जी थीटा डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल्स को टाउ एच डिवाइडेड बाय आर। अब ये टाउ एच क्यों बोला मैंने, टाउ एच इसलिए बोला मैंने, टोटल पूरा होल बार का है ना, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया टाउ एच से, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो है ना। तो टाउ एच डिवाइडेड बाय आर टोटल बार का, भाई यहाँ पे पूरे क्रॉस सेक्शन का ही है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना ये अपनी पास इक्वेशन वन हो गई, अपने पास ये वन इक्वेशन हो गई है ना।
अब अपने को थोड़ा फर्दर सॉल्व करने के लिए अपने को एक और चीज करनी होगी, वहां पे एक चीज समझनी होती है, जैसे कि मेरे पास ये होना जी थीटा डिवाइड बाई एल इसको टाउ अपन में आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये कि भाई अपन ने ना वो जो अपने लास्ट जो अपने अभी फॉर्मूला जो अपने ये फॉर्मूला निकाला ना अभी पीछे वाले के लिए, अपने टाउ एच डिवाइड बाई जो आर है ये है टोटल बार के लिए, मतलब ये पूरी की पूरी बार के लिए। लेकिन अगर अपने को इसके बीच में कहीं किसी पॉइंट पे निकालना हो भाई, ऐसे भी ऐसा तो है नहीं कि भाई टोटल बार पे शेयर स्ट्रेस निकालने को बोले हो, वो तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन हो जाएगा है ना। लेकिन अगर अपने को किसी पॉइंट पे निकालने के लिए बोले तो वो कैसे निकालें, उसको निकालने के लिए अपन ने डेल यहाँ पे ना एक सेगमेंट ले लिया, वो कहाँ से ले लिया, यहाँ से इस मिड पॉइंट जो अपना ओ है वहां से अपने एक आर डिस्टेंस स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा ले लिया, जिसका जो एरिया है वो है डी ए और उसके जो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है डी एफ है ना। तो अपन ने इसका निकालने के लिए अपने एक टाओ टाओ, अब वहां पे टाओ एच था क्योंकि वो टोटल का टोटल था, पूरी बार थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बार का एक सेगमेंट है तो अपन ने सिर्फ टाओ लगा दिया, टाओ डिवाइडेड बाय आर स्मॉल आर है ना। स्मॉल आर क्यों, एक सेगमेंट के लिए मतलब एक पार्ट के लिए, यहां से मतलब ये पूरी के लिए नहीं था, यहां से ये पूरा के लिए तो कैपिटल आर था, लेकिन इससे कुछ कम के लिए अपने स्मॉल आर ले लिया, तो अपने स्मॉल आर से कर लिया। अब इससे एक चीज बन के आती है जो अपना होता है, इस आर जो होता है इससे वो होता है अपने पास कॉरेस्पॉन्डिंग भाई अपना जो टाओ एच है डिवाइड बाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू का टाओ अपन में स्मॉल आर, भाई अपने बराबर होता है, ये हो गया अपना शियर स्ट्रेस, इसको अपन कहते हैं शियर स्ट्रेस है ना। अब रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है भाई, अपने को पता है रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, जो अपने को जो शियर अपना हो रहा है, जो अपना शियर जो हो रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए उस पर फोर्स जरूर लगता है ना, वो अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई, ये अपना देखो सिग्मा एफ अपॉन में ए है, जो अपना एफ होता है ना उसको अपन रेजिस्टिंग फोर्स भी कहते हैं भाई, अपने को एफ तो लगाते हैं लेकिन इसको ना इसको आप कहीं किताबों में देखोगे ना तो आर बाय ए भी मिलेगा, ये क्यों मिलेगा क्योंकि ये होता है ना वो होता है रेजिस्टिंग फोर्स, आर लगा दो या एफ लगा दो बात एक ही हो जाती है, ये होता है रेजिस्टिंग फोर्स है ना, कंफ्यूज मत हो ना, ये रेजिस्टिंग फोर्स कहते हैं इसको है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन रेजिस्टिंग फोर्स निकालेंगे है ना, रेजिस्टिंग फोर्स किसका निकालेंगे, एक पार्ट का, एक स्मॉल पार्ट का निकाल रहे हैं अपन रेजिस्टिंग फोर्स, तो स्मॉल पार्ट हो गया मतलब डी एफ हो गया और स्मॉल एरिया हो मतलब डी ए हो गया, भाई स्मॉल पार्ट का एक स्मॉल एरिया हो गया ना है, तो अपन क्या करेंगे अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले, तो अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपने को क्या निकालना है, अपने को रेजिस्टिंग फोर्स निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या बन के आया, एफ इज इक्वल टू सिग्मा ए है ना। अब सिग्मा ए है, अब अपने पास अपने को पूरे का तो निकालना नहीं, अपने को एक पार्ट का निकाला है तो अपन ने डी एफ कर दिया, डेल्टा एफ और डेल्टा ए, मतलब उस डेल्टा उस रेजिस्टिंग फोर्स का उस स्मॉल पार्ट इस मतलब इस शाफ्ट का एक पार्ट का रेजिस्टिंग फोर्स जिसका एरिया है डेल्टा ए, तो ये अपने पास एक बन गया है ना, जो अपन ने क्या है डेल्टा ए मतलब डेल्टा एफ इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो सिग्मा है ना वो टाओ के बराबर है, मतलब जो शियर फोर्स है ना वो जो शियर फोर्स अपना जो अपने शियर है शियर स्ट्रेस है ये बराबर है अपना यहाँ पे इसके ये जो प्रेस ये नहीं स्ट्रेस है, जो ये स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस दोनों एक ही चीज है, तो भाई अगर वहां पे ना कंफ्यूज होता ना भाई टाओ अगर वहां पे स्ट्रेस देते ना सिग्मा मत समझ लेना है ना, भाई जो सिग्मा होता है वो इसमें टाओ होता है भाई स्ट्रेस लगना है वो तो स्ट्रेस है वो तो है ना, तो स्ट्रेस है। अब ये डी टी देख लें टोर्जनल है, टोर्जनल अपने पास टोर्जनल है, तो टोर्जनल क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई टोर्जनल मोमेंट है, ये याद है ना टोर्जनल मोमेंट है, तो मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं अपने फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अपने पास जो ये अपना आया है ना अपना ये है ना ये अपने पास एक और इक्वेशन भी। अब अपन फर्दर एक चीज सॉल्व करते हैं, वो क्या करते हैं टोर्जनल फाइंड करना है अपने को इसके ऊपर टोर्जनल, तो क्या होता है फोर्स ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अपना फोर्स आ गया ये ना फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स अपना क्या है डी एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है अपने डी अपने आर है, तो अपन यहाँ पे पास अपने क्या डी टी मतलब टॉर्जनल मोमेंट इज इक्वल टू का डी एफ मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि अपन एक पार्ट का निकाल रहे अपना होल का नहीं निकाल रहे एक पार्ट का निकाल रहे तो डी एफ। ठीक है, और डी टी भी अपन मोमेंट भी उस पार्ट का निकाल रहे मोमेंट है ना, जहां डी एफ लग रहा है उस पार्ट का मोमेंट अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ पे अब जो डी एफ है वो डी एफ यहाँ पे क्या है अपने सिग्मा डी ए है ना, तो सिग्मा डी ए यहाँ पे पुट करो तो सिग्मा हटा के अपने यहाँ पे टाओ भी लगा सकते हैं, मैंने जैसे बताया भी टाओ भाई एक ही चीज होती है, सिग्मा लगाओ या टाओ लगाओ बात एक ही है ना, तो हमने क्या किया हमने सिग्मा हटा के हमने टाओ लगा दिया और डी ए आर अपने पास यहाँ बन गया, क्योंकि अपने जो डी एफ है जो यहाँ पे अपने वैल्यू आई थी उसको इसमें पुट किया
है ना, वो अपने पास ये बन गई। इसमें अपने टाओ किया, क्योंकि क्यों किया, क्योंकि बात एक ही है देखा जाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर आसानी से ये अपनी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है ना। तो टाओ किया अपन ने, तो अपने जो जो मोमेंट है, जो टोर्जनल जो मोमेंट है वो कितना है अपने पास, टाओ डी ए मल्टीप्लाई बाय आर स्मॉल आर, ठीक है। ये अपने पास चौथी इक्वेशन बन गई है ना। अब यहाँ पे टाओ की वैल्यू निकालनी, अब ये जो टाओ है अपने पास, इसके अंदर जो टाओ है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो अपने पास टाओ की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अपने पास टाओ की वैल्यू आ जाएगी जो अपनी ये है। अब ये टाओ की वैल्यू है, इसको अपन इसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन फोर में अपन पुट करेंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास टाओ एच मतलब होल का टाओ एच मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी ए, डी ए ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। तो अपना जो टॉर्जनल मोमेंट है वो अपना बनता है डी टी इज इक्वल टू टाओ एच मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी ए, ठीक है। ये अपने पास बनता है लास्टली, अपना पर क्या बन, अपने पास क्या बन के आता है अपने लास्ट, अपने जो यहाँ पे जो समीशन आर है अपना, है ना। अब वो पार्ट का था, अपन ने अब होल ले लिया, पूरा ले लिया, मतलब अपने उसको समीशन कर दिया, और यहाँ पे अपने जो उसको पूरा पूरा पार्ट ले लिया, तो डेल अपना हट गया है ना। तो अपने समीशन आर है, अपने डी ए अपने पास है। अब ये जो चीज है ना, ये इसको कहते हैं अपन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे अपन जे से डिनोट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो उस जे को अपन यहाँ पुट करेंगे, है ना, पोलर मोमेंट, इसको है ना अपन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं जे। तो अपन जे को इसकी जगह अपन ने जे पुट कर दिया। जे पुट करने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या किया, अपन ने क्रॉस इसको है ना यहाँ पे इसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद अपने पास क्या बना, ये टी टाओ एच अपन में आर और टी अपन में जे। जो टाओ एच है वो इसके बराबर भी है और टाओ एच अपना इसके बराबर भी है ना। तो अपने पास ये एक इक्वेशन बन के आती है टाओ की, मतलब ये अपने पास टोर्जनल इक्वेशन बन के आती है ये एक, है ना। यहाँ से टाओ एच अपन आर, ये अपने टी अपन जे के बराबर भी होता है और जी थीटा अपन एल के बराबर, क्योंकि अपन पीछे देखा था भी, है ना। तो यहाँ पे अपना जो है टोर्जन इक्वेशन खत्म हो जाती है। स्पेस पे ना न्यूमेरिकल बनता है, जो कि एक एक से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है, देखा जाए एक या दो ही न्यूमेरिकल आते हैं इसके टोर्जनल के, है ना। तो इसको इसका अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपका न्यूमेरिकल भी अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज लेते हैं, थैंक यू वेरी मच।